अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा कि आपके पास हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और उसको लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें। और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के खाने से। और रात के खाने में मैं आज बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू का सालन। और मैं शिमला मिर्च कट कर रही हूँ और मैं इसमें ना शिमला मिर्च के अंदर जो सीड्स होते हैं वो मैं नहीं डालती उसके अंदर, जो मुझे वो अच्छा नहीं लगता डालना, तो इसलिए उसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो उसके बाद मैं इसको कट करने के बाद फिर मैं आलू को मैंने भून लिया था तमाम मसाले डाल के, तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्चें। उसको उतनी देर तक वो आलू सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्चें जब तक सालन बन जाएगा। और मैंने देखा कि आटा भी गूंदने वाला है तो मैंने सोचा कि आटा भी गूंद लूँ। सुबह उठ के आटा गूंदना थोड़ा मुश्किल लगता है तो इसलिए फिर मैंने आटा गूंद लिया। और आपको मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी, मुझे ना फ्लू हुआ हुआ तो साथ में थोड़ा फीवर भी है और सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन ये काम एक औरत को करने होते हैं, खाना भी बनाना होता है। और ये सबसे मुश्किल ये लगता है जब मतलब डिसाइड करना कि आज क्या बनाएं, यही एक सोचने में तो कितने घंटे गुजर जाते हैं कि क्या बनाएं। जब भी अपने हस्बैंड से पूछते हैं तो वो कहते हैं जो आपका दिल करता है वो बना लें, तो ये भी एक बनाना भी मुझे और डिसाइड भी मुझे करना है कि क्या बनाना है। ये हर औरत का एक होता होगा कि वो औरत के लिए ना बहुत मुश्किल होता है कि डिसाइड करना क्या बनाना है। खाओ हर चीज़ लेते हैं लेकिन साग उन्हें नहीं इतना अच्छा लगता, खा लेते हैं लेकिन उनका ब्लड प्रेशर का मसला है तो इसलिए वो साग नहीं खाते। तो जो जो मेरी वीडियो देख रहा है अल्लाह सबके रिज़्क में बरकत डाले और सबको अपने ख़जाने में बेशुमार रिज़्क अता करे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है जो कि हम लोग गए थे खाने वाल, और खाने वाल हम लोग गए थे अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। तो रास्ते में फिर मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मुझे भूख लगी हुई थी, फिर मैंने रास्ते में जूस लिया थोड़ा सा और साथ में बिस्किट लिए। उसके बाद फिर मैं अब खा रही हूँ चिप्स। अगर मैं कोई चीज़ रस्ते में ना खाऊं तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है, दूसरा ये कि तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने उनके घर में इतनी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हर घर में एक प्राइवेसी होती है और बंदा अच्छा भी नहीं लगता यूँ मोबाइल उठा के हर घर में वीडियो शूट करने लग जाए। तो उसके बाद हम अब जा रहे हैं उनके फार्म पर, उनका एक डेयरी फार्म है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने घर। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ उनका डेयरी फार्म। बाद हम अब पहुँचे उनके फार्म पे और ये उनकी गाय माशा बहुत प्यारी गाय थी। ये इन्होंने अपनी गाय जो थी ना इनके फार्म में, ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई है। ये आगे
जो उन्होंने गाय मंगवाई थी उनके बच्चे हैं ये, माशाल्लाह बड़ी सारी हो गई हैं, आगे उनके भी बच्चे हैं। ये उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई थी, तब जब मंगवाई थी इन्होंने गाय, तब तो 50 गाय मंगवाई थी, तो कितनी गाय मर गई थी, जिसमें इसमें शायद 34 रह गई थी, 14-15 मर गई थी। अब माशाल्लाह काफ़ी सही है और बहुत अच्छी भी है, और आगे उनके बच्चे भी काफ़ी हेल्दी हैं। और ये गर्मियों में इनके ऊपर जो ये शेड बना हुआ ना, इसके ऊपर शावर्स लगे हुए हैं गाय वगैरह को, जब मतलब गर्मी लगती है या नहाने के लिए वो शावर चलते रहते हैं, तो इनके ऊपर पानी डलता रहता है। और मैं जब इधर से गुजर रही थी तो ये गाय मेरी तरफ़ देख ही जा रही थी, और फिर मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं जल्दी जल्दी से वहाँ से गुजर रही थी कि कहीं गाय मेरी तरफ ही ना आ जाए और मेरी चीखें ही ना निकल जाए, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मेरी शादी को अभी थोड़ा ही अरसा हुआ था, मतलब चंद माह हुए थे, तो मैं अपने गांव में ससुराल गई, तो वहाँ मैं और मेरे जेठ की बेटी हम लोग गाय के उसको ना पत्ते खिला रहे थे, शहतूत के पत्ते। जब वो मैं खिलाने लगी तो उसकी ज़बान मेरे हाथ को लगी, मेरी चीख निकली, और जो मैंने गोल्ड की चूड़ियाँ पहनी हुई थी ना, वो इतनी ज़ोर से जाके ईंट पे लगी और मेरे बाजू पे चोट भी लग गई। और दूसरा ये हुआ कि मेरी वो चूड़ियाँ बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, फिर मुझे वो चेंज करवानी पड़ी। मुझे इनसे बहुत डर लगता है, इसलिए फिर मैं ना जल्दी जल्दी उनके पीछे पीछे भागी जा रही थी कि मुझे कुछ कह ही ना दें। और ये वो एरिया है जहाँ ना वो गाय का दूध निकालते हैं, और गाय यहाँ खुद ही आगे खड़ी हो जाती हैं और मशीन के थनों को लग जाती है और दूध दोने लग जाती है। दूध फिर निकल के तो आगे एक मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा सारा जैसे टैंकी सी होती है ना, ये अंदर पड़ी हुई है, इसके अंदर दूध फ्रीज हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग अब मैं अब तोड़ रही हूँ फूल, और इसको इतने ज़्यादा पता नहीं क्या लगा हुआ था, फिर मैंने इसको फूल को पानी के साथ धोया। और ये गाय के जो छोटे बच्चे ना उनके अलग से फार्म बनाया हुआ, अलग अलग पोर्शन में ये रहते हैं सारे, और साथ ही उन्होंने मूलियाँ भी लगाई हुई थी एक जगह पे, और मुंगरे जो होते हैं वो भी लगाए हुए थे। ये भैंस रेस्ट फरमा रही है, एक छोटा सा वो था भैंस का बच्चा, ये देखो कैसे मेरी तरफ देख रहे, जैसे मुझसे फोटो शूट करवा रहा हो, मेरी ज़ुबान फिसली जा रही है। तो उसके बाद फिर हम लोग, आज का व्लॉग आपको मेरा ज़रूर अच्छा लगेगा क्योंकि ये यूनिक सा है और बाकी सब व्लॉग से बहुत मुनफरिद है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे घर, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।